नमस्कार, टॉक शो इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड एक्टर अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बातें सूरत वालों की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सूरत शहर के एक खास शख्सियत, एक लेजेंड, जिनका नाम है कांति भाई शाह। कांति भाई, टॉक शो इंडिया के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार कांति भाई, आपकी व्यक्तित्व, आपका अनुभव इतना बड़ा है कि मैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ कहूं तो कम पड़ेगा। सबसे मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि सूरत शहर में आपने कौन कौन से मार्केट बनाए और किस तरह से आपने अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी को आगे लेके गए। सूरत में मैंने काफी 1988 से जी मार्केटों का काम चालू किया था जी, और काफी रिंग रोड पे जी 12-15 मार्केटों बनाई जी, जिसमें महालक्ष्मी मार्केट, अच्छा, हरिओम टेक्सटाइल मार्केट जी, हीराबंडा टेक्सटाइल मार्केट, हरिओम टेक्सटाइल मार्केट दो, अच्छा, मनीष मार्केट जी जी, सागर टेक्सटाइल मार्केट जी, ऐसी काफी मार्केटों मैंने बनाई जी, जिसमें काफी मार्केटों मैंने खुद ने बनाई, किसी में हम पार्टनरशिप में भी बनाई जी। तो ये इतने सारे मार्केट बनाए और आज तो सूरत टेक्सटाइल में ग्लोबली इतना बड़ा नाम हो गया, तो उस समय जिस समय आपने मार्केट बनाई, उस समय का सूरत और अभी का 2022 की सूरत कैसे आप देखते हैं? उस टाइम जब हम मार्केट बनाते थे जी, तब जो लैंड ओनर थे जी, उनका एक विश्वास था लोगों के पास, वो टाइम जो रेट के हिसाब से जी वो हमको जमीन सौंपते थे जी, हम मार्केट बनाते थे जी, और सूरत और गुजरात बाहर से भी लोग जो बुकिंग कराते थे जी जी, तो एक लोगों को विश्वास ज्यादा था जी, और वो विश्वास से मार्केटों का काम इजी था, कॉर्पोरेशन का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था जी, बात काम का भी इतना नहीं था जी। आज की तारीख में उस टाइम और इस वक्त में जी बहुत से प्रॉब्लम है, पार्किंग वो जाए कम था जी, इस टाइम पे सब ज्यादा बाथरूम के प्रॉब्लम्स है जी। हमारा टाइम में जो बाथरूम था जी और कमाई थी हाँ, वो आज के जमाने में नहीं है। क्या बात है, मैंने आपके समय का जो आपकी कमाई हो कमाई अच्छी थी जी जी, तो आज के समय कम पैसा लगा के ज्यादा कमाई हमारे टाइम में थी। क्या बात है, क्या बात है। कांति भाई, आप काफी हिंदुस्तान के टॉप टॉप लोगों से मिले। मुझे मालूम है कि आप जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय से उनके साथ आपका संबंध रहा, मुलाकात हुई, और इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ भी आपका संबंध है, और भी टॉप लोगों के साथ में आपका कैसा रहा सफर और क्या चीज यादें आप साथ में रख रहे हैं अभी भी? बहुत से ऐसे, जैसे कि जब पहले, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी और हम एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा, मैसाण के। अच्छा, क्या बात है। और जब नरेंद्र भाई मोदी जब सीएम नहीं, वो कुछ नहीं थे जी, तब भी हमारे जैन मंदिरों में जी वो जैसे अशोक भट्ट के साथ, ऐसे मिनिस्टरों के साथ जी वो साथ में आते थे जी, तब से आज तक उनकी पहचान जी, और वो हमको आज वही टाइम की पहचान, जब भी मिलते हैं तो पहचानते हैं। क्या बात है, तब से। और नरेंद्र भाई वो टाइम भी फर्स्ट टाइम जब मिले थे जी, और कभी रास्ता में मिले कोई जगह, तो आज भी वही नाम से पहचानते हैं। क्या बात है। उनसे पहले समझो जरा, जब भारत के वडाप्रधान चंद्रशेखर थे जी जी, तो उनसे जो वडाप्रधान थे तब उनकी मुलाकात मेरी हुई थी। अच्छी बात है। तो मैं उनके यहाँ गया था बांसी, उनका जो आश्रम है, आश्रम में, और उनके 280 आश्रम दूसरे इंडिया में थे। अच्छा, उसमें मेरे को उसने मुझे ट्रस्टी भी बनाया था। अच्छा, क्या बात है। तो उनसे अच्छा रिश्ता था। हाँ हाँ। और तांत्रिक चंद्रा स्वामी, अच्छा, चंद्रा स्वामी से मिले आप? हाँ जी। तो चंद्रा स्वामी का वो टाइम जो जमाना था जी, का इंदिरा गांधी खुद उनको पैर छूती थे, नरसिंह राव खुद जब उनको मिलते थे जी जी, वो टाइम पे हमारा गुरु महाराज जी जो उनको तांत्रिक विद्या के हिसाब से मिलने जुलने आते थे, यानी कि आपके गुरु महाराज से जो चंद्रा स्वामी ने सीखा जी। तो एक बार हमारा गुरु महाराज नवसारी थे, अच्छा, और चंद्रा स्वामी को यहाँ आना था जी, तो वो बाय ट्रेन
सूरत आए थे और सूरत काफी बहुत उनके भी मानने वाले सूरत स्टेशन पे लोग बहुत आए थे जी। मेरी गाड़ी में मैं सूरत से उनको जो ठहराना था वहाँ ठहरा के मैं बाद में नवसारी लेके गया था जी। गुरु महाराज के पास जी। बाद में मेरी ऑफिस में भी आए थे जी। मेरा जैन उपासना में उसने प्रवचन दिया था जी जी। और उनके बाद यहाँ के नरेश भाई चौकसी जी उनके यहाँ चले गए थे जी। और उनके बाद तो काफी आना जाना सूरत में उनका बना था। तो कैसा रहा आपके चंद्र स्वामी के साथ में रहना, कुछ तांत्रिक विद्या ये सब चीजें? हमारा गुरु महाराज के पास आते थे, हम गुरु महाराज को मिलते थे जी। तो उनके साथ ज्यादा ऐसा लगाव नहीं था। हाँ। तो मिले थे सबके साथ। हाँ। मतलब चंद्र स्वामी के जो गुरु जी थे वो आपके गुरु थे। तो फिर आपको दूसरा आज भी है? आज भी है गुरु जी। क्या क्या बात है। तो आपके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के चंद्रशेखर जी के वर्सी आश्रम में, उस आश्रम की कुछ खासियत बताइए। आश्रम में तो क्या है, भारत के वड़ा प्रधान होने के बाद भी जी वो सुबह में 4:30 बजे जगते थे जी। उनके बाद वो मॉर्निंग वॉक में चलते थे। तब वो टाइम मैं भी एक बार वहां रुका था। अच्छा। मुझे भी बोला चलो साथ में जी। तो मैं साथ में चला जी। तो उनका वहाँ कोई टेम्पल बनाया था। अच्छा। आश्रम में जी जी करीबन 500-700 एकड़ में उनका आश्रम था जी। तो बीच में छोटी एक कैनल थी जी। कैनल में भी प्लास्टिक की पॉलिथीन बैग लगाई थी जी। पानी भरा हुआ था जी। तो हम जाते थे तो पानी में से पैर धो के मंदिर में दर्शन करने के। अच्छा। और इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद भी जी उनका एक साधारण आदमी जैसा लगाव था अपने साथ। क्या बात है। तो ये सिंप्लिसिटी, ये जो एक डाउन टू अर्थ होना, ये चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे उसके बाद आपको लगा दूसरे प्रधानमंत्री में भी ये सिंप्लिसिटी है? है ना। अच्छा। उनसे ज्यादा तो मोदी में है। क्या बात है। मोदी आज कोई भी छोटा बड़ा कोई भी आदमी आता है तो पैर छूते हैं जी जी जी। मोदी की वो जो कोई गुरु है कोई संत है जी, तो वो तो है आदमी। क्या बात है। तो मोदी जी के साथ भी आपसे तो मुलाकात मुख्यमंत्री के समय से रहा और उनको आप उस पद चिन्हों में, मतलब वो हम्बलनेस के साथ में मोदी जी को देख रहे हैं और सभी लोग देखते हैं। सूरत में आप आए मुंबई से और सूरत में आके बस गए। सूरत में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का आपने कारोबार फैलाया, क्या खासियत है सूरत में जो आपको सूरत ही पसंद आया? सूरत में वैसे भी क्या है, लोग अच्छे हैं जी। विश्वास सूरत की सबसे बड़ी देन है जी। यहाँ लोग विश्वास ज्यादा करते हैं जी। मेरा मार्केट छोड़ के वैसे भी मैंने एक ही जगह पे 500 कम से कम रो हाउस बनाया है जी। एक ही जगह पे मैंने 15 हाई राइज बिल्डिंग बनाई है जी। वहां जैन टेम्पल बनाया है जी। तो लोगों को आज भी वो विश्वास है जी कि भाई एक बार बिल्डर ने बोला और वो हिसाब से उनको पजेशन दिया जी, तो दूसरा प्रोजेक्ट में कोई तकलीफ नहीं पड़ती है जी। और गुजरात के और उसमें भी सूरत के लोग जी आज डायमंड खरीदते हैं तो विश्वास है जी। आंगड़े में करोड़ों रुपया देते हैं वो भी विश्वास है जी। पहले कपड़ा भी मार्केट में बहुत उधारी चलती थी जी, वो भी विश्वास है चलती थी। तो सूरत के हर आदमी दिलदार है। क्या बात है जी। और सूरत में लोग तो खाने पीने के भी बहुत शौकीन है, कैसा लगा आपको सूरत में आने के बाद? सूरत के लोग खाने पीने के तो शौकीन है। हाँ। तो उनसे ज्यादा खिलाने वाले बहुत है। अच्छा। गुजरात में, गुजरात छोड़ के जी, कहा भूकंप आया हाँ, कोई रेल हुई कुछ अकस्मात हो कोई भी जी, तो सबसे पहला सूरत वाले भागे हैं। क्या बात है, क्या बात। और दान करने के लिए जी, उनको खाने से खिलाने का बहुत शौक है। क्या बात है। इनकी वजह से भी सूरत फेमस है। क्या बात है। तो आप सूरत में आके बस गए और सूरत गुजरात का एक सेकेंड कैपिटल अगर हम कहें गांधीनगर अहमदाबाद के बाद में। अब ये बताइए कि गुजरातियों क्या क्या खासियत आपको बड़ा कनेक्ट करता है? आप भी गुजरात के ही हैं। गुजरात में तो आपको जैसे मालूम पड़ता है ना, जैसे गुजराती में आप कहिए। नहीं, गुजरात में क्या है कि गुजरात वाले जैसे गुजरात में दारू बंदी होती है। हाँ। दारू बंदी है जी, गुजरात में दारू बंदी है बराबर। छतो दारू वधार गुजरात में पीवाय छे। अच्छा। तो कहवत छे ना कि दुखी जनों ना दुख भुलावा नो खरो आधार छे।
क्या बात, दुखी जनों ना दुख बुलावा नो खरो आधार से, और प्याली तना पीनार नो विश्व मही पुबार से। क्या बात, दारू सूरत के अंदर बैन छे, बराबर, गुजरात के अंदर बैन छे, पर सबसे बड़ा पीवा है गुजरात के अंदर, बराबर, ने हम भी सूरत के अंदर। क्या बात है, क्या बात है। गुजरात की एक खासियत बहुत अपने अच्छी तरह से बताया अकांति भाई आपने। पता नहीं अनगिनत समय आपने वर्ल्ड टूर किया, काफी बार किया। तो जब भी आप वर्ल्ड टूर में जाते हैं, पहले या अभी, तो आपको एक भारतीय होने के नाते आपको कैसा सम्मान मिलता है और कैसे आप देखते हैं जब आप विदेश में जाते हैं? पहले जब भारत के बाहर जाते थे जी, कोई भी कंट्री में जी, तो एक भारतीय के हिसाब से वहां होता था जी। और आज जब भारत के बाहर जाते हैं जी, तो मोदी साहब के नाम से, क्या बात है, और उसमें भी गुजराती जी, तो गुजरात के है हाँ, तो जैसे अमेरिका के लोग यहाँ आते हैं जी, अपन बोलते हैं भाई अमेरिका से आया, तो हम जब यहाँ से जाते हैं तो क्या गुजराती आया जी जी। आज गुजरात लोगों का बहुत मान बढ़ गया है जी जी, जी। मतलब मोदी जी क्या है, मोदी जी के नाम से, अमित भाई के नाम से पूरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड में हिंदुस्तानियों को आज जो सम्मान मिल रहा है पहले से काफी अधिक और उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। कांति भाई आपके अनुभव और आपकी जीवन यात्रा को देखते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी टॉक शो इंडिया के जो दर्शक है, व्यूअर्स है, जो भी इस एपिसोड बातें सूरत वालों की को देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे जिंदगी में रहना है, कैसे व्यापार को आगे बढ़ाना है और जिंदगी में हर उतार चढ़ाव को कैसे संभालना है और किस तरह से हंसते खेलते जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जी कि मेरी उम्र 70 इयर्स पूरे हुए। अच्छा, बधाई हो आपको, पर आप लगते नहीं है 70 के। नहीं लगता, उनके पीछे कारण है, बताइए। आदमी को भी टेंशन बिना जीता है जी, टेंशन से कोई चीज बनती नहीं है जी, टेंशन मुक्त रहो जी, हंसते खुलते रहो जी, तो अच्छा जीवन जी सकते हो। क्या बात, एक बात जी। सेकंड थिंग बिजनेस, बिजनेस में भी चढ़ाव उतार आता है, कभी मंदी आती है कभी तेजी आती है, तो उस टाइम पे भी कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। क्या बात है, और हर बिजनेस में कोई भी बिजनेस करो, चाहे डायमंड का हो, कपड़े का हो, जमीन का, कोई भी बिजनेस, चाहे आपका फिल्म का भी हो जी जी, तो हर बिजनेस में बिना डेयरिंग कुछ मिलता नहीं है जी। मैं इतना जानता हूँ कि दरिया किनारे पे आप खड़े रहो जी, और आप सोचो कि मोती दरिया में है जी, और मेरे नसीब में है जी, और मुझे मिलेगा जी, और मैं मोती से बहुत करोड़पति बन जाऊंगा जी, तो नहीं बन सकते है। उनके लिए 99% वर्क एंड 1% वर्क। क्या बात है, 99% वर्क करेंगे तो आपका लक 1% आपको मिलेगा। किनारे पे खड़ा रहने से मोती नहीं मिलेगा। क्या बात है, अंदर डुबकी मारनी पड़ती है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही कि डुबकी मारना है तभी मोती मिलेगा, तभी भाग्य का दरवाजा। आम के पेड़ पे आप नीचे खड़े है कि आम का पेड़ में से आम गिरेगा, उनके लिए पत्थर मारना पड़ता है, भले लगे नहीं लगे, एक पत्थर लगेगा आम गिरेगा तो आपको आम मिलेगा जी, नीचे बैठने से तो आम नहीं मिलेगा जी, तो उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी जी, और हार्ड वर्क करने वाला आदमी जी दुनिया में काम पीछे नहीं होता है। क्या बात, पक्का है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है और टेंशन पे ध्यान देना नहीं है, हंसते खेलते जीना है। कांति भाई बहुत इंटरेस्टिंग आपने बातें कही है, ऐसे तो मन कर रहा है और भी आपसे बातें करूं, पर आपका समय की कीमती को देखते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप टॉक शो इंडिया के शो में आए और इस बातें सूरत वालों की एपिसोड में हमारे सभी दर्शकों को आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग बातें की। दोस्तों ये थे आज के हमारे खास मेहमान, सूरत शहर के एक जाने माने शख्सियत और एक वेल और पर्सनैलिटी, कांति भाई शाह। मुझे उम्मीद है कि कांति भाई के एक्सपीरियंस को अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो आपकी जिंदगी में भी बहुत बदलाव आएगा और आपकी जो मंजिल है, जो आपने ठानी है, जो आपने सोची है, उसे आप जरूर पा सकेंगे। जो भी टिप्स कांति भाई ने दिया है वो बहुत अहमियत रखता है हर इंसान के जीवन में। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी, अगर है तो खुशहाली और बढ़ेगी।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद टॉक शो इंडिया एंड कीप वॉचिंग बातें सूरत वालों की। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।